गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी हो है सुबह का टाइम, बज रहे हैं 5:30 और आरुल को उठाने का टाइम हो गया। तो चलिए आरुल को पहले उठाते हैं। आयो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एलेक्सा स्टॉप। आयू आयू ए आयू, अलार्म भी बज गया, उठ जाओ ना। तो फ्रेंड, मेरे आयु की आंखें नहीं खुल रही है इसके नींद पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नींद पूरे हुए हैं, बस बदमाशी कर रहा है। आयू गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। चलो अल्ले बोल। अभी मैं उठ गया। हाँ, अभी मैं जाऊँगा, ब्रश करूँगा, हाँ, खाऊंगा, नहाने जाऊँगा, फिर मैं आऊँगा, तैयार होगा, ये पूजा कर लूँगा, फिर स्कूल चले जाऊँगा। स्कूल चले जाओगे? और ये पेंटिंग कौन बनाया है? ये मैंने बनाया है। झूठ। चलो तो चलिए फ्रेंड, मेरा आयु भी उठ चुका है और मैं भी आ गई हूँ। तो पहले हम भगवान का खोल लेते हैं। तो मेरी मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना, वो मेरे आयु को उठाने और भगवान को जी को के मतलब उनके दरवाजे खोलने, पट खोलने, मतलब उनकी मंदिर खोलने से शुरू होती है। मेरी सुबह की शुरुआत होती है, मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होती है ऐसे ही। और यहाँ पर मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ कॉर्न, क्योंकि आज मेरे आयु को खाना है चीज़, कॉर्न पास्ता। तो चीज़ कॉर्न पास्ता बनाने के लिए मैंने चीज़ निकाल लिए हैं और मैं कॉर्न निकाल लिया, मैंने बटर निकाला है, कुछ वेजिटेबल्स मैंने रात को ही कट करके रख लिए थे। और यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले दूध को बॉईल होने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि शिनहाजी के लिए मुझे चाय भी तो बनाना है तो यहाँ पर थोड़े से मतलब बर्फ़ आ गए थे दूध के अंदर, तो पूरी पैकेट को खोल करके मैंने डाल दिया है। और मॉर्निंग में बस कभी कभी तो लगता है जैसे बहुत आराम से भी काम करूं तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सुबह में थोड़ा सा मैंने स्लोली काम किया कि उसके बाद तो मुझे भागना दौड़ना पड़ता है, क्योंकि जब टाइम बढ़ने लगती है तो काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता। तो मेरे से आ रही हूँ पूछ रहा था कि पास्ता बना रही हो, तुम क्या कर रही हो? उसको मॉर्निंग में वो मतलब ब्रश करने से पहले, फ्रेश होने से पहले उसको बहुत सारी क्वेरी रहती है कि उसके टिफ़िन में आज क्या क्या जाने वाला है, वो मम्मा क्या बनाने वाली है। तो वो सारी चीज़ें मुझे उसको पहले बता देनी होती है, तभी वो अपना काम शुरू करता है फ्रेश होने का, नहीं तो बस मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। और यहाँ पे मैं पास्ता डाल रही हूँ, पास्ता ख़त्म हो गया था तो मैंने स्टोर वाले डब्बे से निकाले हैं। और यहाँ पे मैं पास्ता देख रही हूँ हाथ से, मतलब कि मतलब ठीक है कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, कम भी नहीं होना चाहिए। और वैसे इसमें कॉर्न भी डालना है तो थोड़ा सा ये बढ़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके और बस मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और 2 से 3 सीटी लगेगी तो ये मतलब हो जाएगा। तो ये जो कुकर है ये नॉनस्टिक कुकर है, तो ये बड़ी आराम आराम से सीटी देती रहती है और बहुत ही जल्दी जल्दी देती रहती है, तो इसलिए ये 2-3 से 4 भी देगी ना तो चलेगा। लेकिन जब मेरी वो स्टील वाली जो कुकर है वो 2 सीटी देती है तो मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर बहुत ही हल्का होता है नॉनस्टिक का। खैर, अभी मैंने ब्रेड में जैम लगा दिया है और यहाँ पर मैं दे रही हूँ जूस। आज हॉट चॉकलेट नहीं दे करके मैंने आज जूस दे दिया है दोनों को। तो बच्चों की जो ये गुड मॉर्निंग है और गुड मॉर्निंग वाला जो ब्रेकफास्ट होता है वो बस यही है, जूस। और नाम मेरा देना है, मेरा देना है कि तुम्हारा देना है? चलो
चलो अरुण ब्रेकफास्ट करो। चलो हम भर देते हैं लेकिन कोई काम की नहीं है। तो एक्चुअली में प्रिंट क्या हुआ है कि आयु ने क्या किया है कि कल उसको लोकमत पेपर की तरफ से एक कूपन मिला है और जिसपे 300 रुपीज़ भरनी है और उसमें एक लंच बॉक्स और एक वाटर बॉटल मिलने वाला है और बहुत सारे कूपन्स वगैरह रहेंगे जो यूज़ करने के लिए रहेंगे। तो आरुल को एकदम चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इसके बेस्ट फ्रेंड वगैरह ने डिसाइड कर लिया हुआ कि वो लोग लाने वाले होंगे पैसा, इसलिए वो आज कल मतलब कल स्कूल से आने के बाद से ही वो एकदम से जिद पे आ रहा था कि मतलब मुझे भी 300 रुपीज़ दो, मुझे भी देना है, मेरे फ्रेंड्स देंगे तो मुझे भी करना है। और मैं समझा रही थी उससे कि 300 रुपीज़ पानी में चले जाएंगे, कोई काम का नहीं रहेगा, वो किसी को दे दोगे, किसी मतलब गरीब को, किसी मतलब ऐसे लोग को जिनको ज़रूरत हो तो कुछ काम भी आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से पैसे बर्बाद मत करो। लेकिन उसको लेकर के पैसा जाना ही था और पापा से उसने फॉर्म वगैरह भी फिलअप करवा लिए हैं, पैसे भी ले लिए हैं और मैं वही मना कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, बच्चे मानते नहीं हैं और कभी कभी ज़िद पे अड़ जाते हैं, तो आज तो आरुल ने हद ही कर दी है तो मैंने भी छोड़ दिया है कि जाओ जो करना है करो। खैर मेरे पास्ता जो मैंने डाले थे बॉयल होने के लिए वो बॉयल हो गए। यहाँ पे मैंने जो थोड़े से वेजिटेबल्स थे जैसे ओनियन और कैप्सिकम को मैंने यहाँ डाल दिया है फ्राई होने के लिए और थोड़ा फ्राई हो रहा है, ऑयल डाल दिए मैंने और मैंने अपनी आवाज़ को कर दिया है म्यूट क्योंकि मैं लगातार आरुल को समझा रही हूँ कि भाई मत कर ऐसा, मत जाओ 300 रुपये मत बर्बाद करो, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। उससे मेरी बातें हो रही है और मैं उसके जो टिफ़िन है वो बना रही हूँ, तो मैंने पास्ता उसके अंदर डाल दिया है फ्राई पैन में और वो सब्जियों के साथ में फ्राई हो रहा है। तब तक सिन्हा जी की यहाँ पे हो गई है चाय रेडी, तो उनको मैं चाय दे देती हूँ। और क्या होता है कभी कभी बच्चे जिद पे अड़ जाते, सोच ही लेते हैं कि मतलब सुनना नहीं है तो सुनना ही नहीं है। मेरी शैमू है वो हमेशा मेरी बातें सुनती है, मतलब पापा की बातें भी सुनती है, बचपन से ही वो थोड़ी समझदार है, ये थोड़ा सा ये भी समझदार बहुत है लेकिन कभी कभी एकदम से जिद पे अड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी छोड़ देना चाहिए बच्चों को। तो मैंने यहाँ पे जो पास्ता था ना उसमें मैंने डाला है पास्ता पिज्जा सॉस, टोमेटो सॉस, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैगी मसाला और थोड़ा मैंने पास्ता मसाला डाला है क्योंकि बच्चों के टेस्ट आजकल ना थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा स्वाद में को और इन्हेंस करने के लिए कुछ कुछ मसाले यूज़ कर देती हूँ तो बच्चों को अच्छा लगता है। जब स्कूल से आके बच्चे बोलते हैं कि आज का के पास्ता में क्या डाला, पास्ता बहुत अच्छा बना था, तो मुझे लगता है कि अच्छा मतलब थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए मुझे। तो आज मैं तो मैंने इसमें चीज़ डाल दिया और ये चीज़ जो है वो अमूल के जो चीज़ है ना वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं इसमें। और उसके बाद अभी मैं इसे बनाने के बाद मतलब फ्राई करने के बाद ना मैं पहले शैमू के पास्ता निकाल लूँगी शैमू के लिए, क्योंकि शैमू को कॉर्न चीज़ पास्ता नहीं पसंद है, उसे चीज़ पास्ता पसंद है कॉर्न के साथ में नहीं, तो कॉर्न मैं बाद में ऐड करूँगी। कॉर्न को मैंने बॉयल करके रख लिया है और शैमू को कॉर्न चाहिए, वो मतलब अलग से उसको ब्लैक पेपर मिक्स और बटर के साथ में जो बनते हैं ना वो उसको चाहिए, कप वाले जो बनते हैं वो, तो उसको मैं बाद में क्योंकि वो बाद में जाएगी स्कूल तो उसको मैं वो बना करके दूंगी, वो खा करके ही जाने वाली है और ये पास्ता वो लंच बॉक्स में लेकर जाएगी। तो मैंने उसके लंच बॉक्स में पास्ता डाल दिए हैं, अभी आरुल के हिस्से का जो पास्ता है इसमें मैं कॉर्न डालूंगी और आरुल के लिए, तो यहाँ मैंने कॉर्न थोड़ा डाल दिया है और आरुल को बहुत पसंद आता है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद उसको पास्ता जो है ना ये चीज़ कॉर्न पास्ता उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और कॉर्न तो उसको हद से ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कॉर्न के जो पूड़े आते हैं मतलब इसके जो भुट्टे आते हैं वो भी और ये भी। और हमारे शहर में ना बेबी कॉर्न नहीं मिलता है, नहीं तो बेबी कॉर्न की चिली वगैरह बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है, अभी दोनों के मैंने टिफ़िन कर दिए रेडी, अब मैं बैग में पैक करती हूँ और आरुल को लेकर के मुझे रेडी करना है। तो चलिए अभी चलते हैं आरुल को रेडी करने के लिए। और शैमू की बातें हो रही है पापा से, जो दीपावली वेकेशन लगने वाली है उस टाइम के प्लानिंग इन लोग के चल रहे हैं, बट प्लानिंग में कुछ हो नहीं पा रहा है, बस बातें हो रही है रोज़ रोज़ की। और यहाँ सिन्हा जी अपने चाय को एंजॉय कर रहे हैं और शैमू जो है वो पापा से बातें कर कर के वो कुछ तो डिसाइड करने में लगी हुई है। क्या ले जा रहे हो? क्या लेके जा रहा है सिन्हा जी? वो एक लोकमत पेपर का एक आया है एनरोलमेंट फॉर्म करके। अच्छा, इसके काम का नहीं है बट इसको लग रहा है कि नहीं वो मेरे काम का है, हम दे दिए हैं, बोले कि बाकी बच्चे करेंगे तो तुम करना नहीं, मत करना, नहीं करना, 300 रुपीज जमा करना है। आई जिद बहुत करता है, नहीं समझ में थोड़ा लेट आता है, 300 रुपये तुम बर्बाद करोगे लगता है। चलो नहीं बर्बाद करेगा, इतना सामान बचा के आएगा।
नहीं अगर ऐसा नहीं, इसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए। अगर ऐसा लगता है ना अरुण, लगेगा तो जमा कर जमा लेना, ठीक है? लोग करेंगे ना बेटा, कर लेना, कोई बात नहीं है, तुमको दिया ही क्या है उसी काम के लिए, कर लेना। प्रेशर महसूस मत, प्रेशर नहीं करेगा ये, चलो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लगे फ्रेंड लोग किए हैं या कर देना चाहिए तो कर देना, ठीक है ना। फ्रेंड लोग को प्रेशर मत लेना, पढ़ाई अच्छे से करना, सारा राइटिंग अच्छे से करना, हर नोटबुक में जो टेस्ट होगा हम पंच पेपर फिर से डाल देते हैं, रोज डालते हैं, और डाला हुआ है पंच पेपर क्या, अरे अरे एसटीपी बुक क्या, हाँ ठीक है, एसटीपी बुक रख लो, इंग्लिश हिंदी और मैथ का हो गया, ठीक है। मैथ का डाला। सो फ्रेंड, अरुल को ना हर सब्जेक्ट के एसटीपी बुक लेकर जानी है, जिसमें उसके टेस्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट के टेस्ट जो होते हैं उसके बुक में डालने हो, मतलब लिखने होते हैं। तो उसने मुझे रात को ही बोला था, और मैंने सिर्फ मैथ का रखा था, इंग्लिश और हिंदी भूल गई थी, अभी याद दिलाया था, मैंने जल्दी से डाल दिया, कॉपी रेडी थे इसके, तो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना, इसलिए टेस्ट हो चल रहा है, सरप्राइज टेस्ट है अभी स्कूल में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि मेरे घर में पेंटिंग के काम चल रहे हैं, तो आउटर में पेंट हुए थे, और कल इतनी तेज़ बारिश आई थी ना कि पूरा एकदम पेंट होते ही सारे धुल गए थे, और पेंट तो बहुत बर्बादी हो गई थी। तो इस सिन्हा जी बोल रहे हैं दोबारा फिर पेंट हुए, तो सिन्हा जी पूछ रहे थे कि कैसा है, ठीक है कि नहीं, अच्छा हुआ है या नहीं। तो मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि मेरा कल पैसा बहुत बर्बाद हो गया, क्योंकि पूरी एक लेयर पेंट करने के बाद सारे पेंट धुल गए थे। खैर, यहाँ पे सारे पेंट सब रखे हुए हैं, वाटरप्रूफ भी रखे हुए हैं, और जो कलर हो रहे हैं बाहर में, वेदर कोट वो सब भी रखे हुए हैं, सारे हो रहे हैं। तो अभी आउटर की पेंटिंग चल रही है, इनर की जब हुई थी घर के अंदर की, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो मतलब विंटर में वो हुई थी। और यहाँ हमारे प्लांट सबको देखिए, थोड़े थोड़े प्लांट अरेंज किए हैं, बट अभी सब जितने भी लोहे के बाहर में जो ग्रिल वगैरह है सबकी पेंटिंग करानी है, तो सारे प्लांट को हटाने पड़ेंगे वहाँ से। तो वही मुझे लगता है एक जगह अरेंज करती हूँ, दूसरी जगह पे फिर मुझे काम करना पड़ता है। और ये जो है मैंने कॉर्न बना दिया है शैमू के लिए, और मैंने रख दिया है क्योंकि मेरी जो शैमू है वो स्नान करके पूजा कर रही है, उसके बाद जाएगी वो कॉर्न खाने के लिए। तो उसने चीज़ कॉर्न पास्ता नहीं बनवाया है, उसने सिर्फ चीज़ पास्ता बन लिया है, और ये कॉर्न ये इसने कहा था कि अलग से फ्राई करके देना मुझे खाने के लिए, तो मैंने दे दिया है। और यहाँ पर ये मैडम खा रही हैं, इनके बस का भी टाइम अब हो रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छे से इंजॉय किए जा रही है धीरे धीरे। तो खैर, अब मेरे शैमू के टाइम हो गया, अब ये भी भाग रही है अपने स्कूल के लिए। तो इस तरह से हमारी मॉर्निंग जो होती है ना, मतलब दो तीन घंटे का जो टाइम होता है ना मॉर्निंग का, वो बहुत ही भागदौड़ वाला होता है, चाहे मेरा हो, सिन्हा जी का हो, या फिर बच्चों का भी हो। तो चलिए, बच्चे तो गए स्कूल, और मैं भी अपने ब्लॉग से लेती हूँ विदा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल